हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज द रिलेशनशिप बिटवीन हर्मिट क्रैप एंड सी एनीमोन इज ए सिंबायोसिस बी म्यूचुअलिज्म, सी पैरासिटिज्म डी कमेंसलिज्म क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हर्मिट क्रैप और सी एनीमोन के बीच का रिलेशनशिप कैसा है इस क्वेश्चन में हमारा की कांसेप्ट होगा पॉपुलेशन इंटरेक्शंस पॉपुलेशन इंटरेक्शन पॉपुलेशन इंटरेक्शंस का मतलब होता है कि एक इकोसिस्टम एक में दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं दे कैन बी हार्मफुल या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन हर्मिट क्राफ एंड सी एनिमोन की बिटवीन हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन तो हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन के बीच में एग्जिस्ट करता है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे होते हैं दीज आर म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप यानी कि ऐसे रिलेशनशिप जिसमें दोनों ही पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज को कोई ना कोई फायदा हो रहा है यानी कि हम बोल सकते हैं कि हरमिट क्राफ्ट और सी एनिमोन के बीच में है एक म्यूचुअलिज्म काइंड ऑफ रिलेशनशिप अब ये म्यूचुअलिज्म किस तरीके से है क्योंकि जो सी एनिमोन है सी एनिमोन है इसके पास प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल इटह टेंटेकल्स और इन टेंटेकल्स में क्या होता है प्रोटेक्शन मिलती है टू हर्मिट क्राप तो हर्मिट क्रैप को शेल्टर और प्रोटेक्शन देने का काम है सी सीआने का एंड इन रिटर्न ये हर्मिट क्राप क्या करता है इन रिटर्न हर्मिट क्राप क्या कर रहा है ये प्रोवाइड कर रहा है फूड को टू द सी एनिमोन तो अगर अपने ऑप्शन देखें तो इसमें से हमारे दो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हैं विच आर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ऑप्शन सी रॉन्ग होगा बिकॉज पैरासिटिज़म एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक पार्टिसिपेटिंग मेंबर को फायदा है एंड दूसरे पार्टिसिपेटिंग मेंबर को नुकसान है लेकिन हर्मिट क्रैप एंड सी एनिमोन दोनों को ही फायदा हो रहा है तो ये पैरासिटिज्म तो नहीं है ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग है बिकॉज कमेंसलिजिज्म होता है कैसा रिल एसोसिएशन जिसमें एक मेंबर को फायदा हो रहा है एंड दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन हर्मिट क्रैप एंड सियानेमोन दोनों को ही फायदा हो रहा है तो कमेंसलिज्म भी नहीं है इनके बीच में हमारे करेक्ट आंसर्स यहाँ पर तो होंगे विचार सिम्बाइसिस एंड म्यूचुअलिज्म आई होप येल बेस्ट ऑफ लाइफ थैंक यू